हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं विज्ञान विषय रहेगा और अध्याय इसमें 12 है, पादपों में जनन। तो इसमें हम जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में पादपों में पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखी तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेसन 12 के नाम से और क्लास 7 साइंस। ठीक है, तो उसके बाद हम इस वीडियो में करेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन से नए पौधे कैसे तैयार होते हैं तो ये इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सभी बच्चे अच्छी तरह से समझें और इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न मैं बोलूँगा बीच में वो आपने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं और उनको याद करना है, तभी आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाओगे। तो जो बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही बातें पेपर में आती हैं, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आता। चाहे आप गाइड भी मत पढ़िए, अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, सुन लेते हो तो आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है? पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पुष्प के बारे में। अब पुष्प जो है पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प के जनन अंग, जो पादप के जनन अंग क्या होते हैं? पुष्प होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन उसे कहते हैं जब पेड़ पौधे नए जीवों को बीजों से उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो पुष्प जो होता है वो पादप के जनन अंग होते हैं। अब पुष्प के अंदर पुंकेसर भी होता है, नर जनन अंग बोलते हैं जिसे, और स्त्री केसर मादा जनन अंग कहलाता है। ठीक है, यानी फूल के अंदर एक पुंकेसर होता है जिसे नर जनन अंग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नर जनन अंग क्या होता है, वो पुंकेसर होता है, और फूल के अंदर जो मादा जनन अंग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए। फिर उसके बाद जैसे आपके पास सरसों है, सरसों के फूल होते हैं सरसों, गुड़हल, पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए, उसके जनन अंगों को अलग कीजिए, पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, सरसों का फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल, पिटूनिया जिसे बोलते हैं, गुड़हल का फूल बहुत अच्छा होता है, इससे हम लैंगिक जनन के सभी भागों को समझ सकते हैं। जो लैंगिक जनन के है ना, पुष्प वो स्त्री केसर है, पुंकेसर है, तो ऐसा पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी जिन पुष्प में, जिन फूलों में केवल एक ही तरह का, चाहे तो पुंकेसर हो, या तो उसमें पुंकेसर होगा अकेला या स्त्री केसर होगा, दोनों नहीं होंगे तो उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो आपका ये आंसर है, अगर एक लिंगी पुष्प की परिभाषा है तो आपने ये आंसर लिखना है। और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो द्विलिंगी पुष्प का आंसर आएगा जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब जो एक लिंगी पुष्प होता है उसके उदाहरण आप लिखोगे, जो मक्का है, पपीता है, ककड़ी है, खीरे हैं, ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। यानी जो पपीता, ककड़ी, खीरे हैं ना, उनमें मक्का है, ककड़ी है, खीरे हैं, पपीता है, इनमें जो फूल होते हैं उनमें केवल एक ही लिंग होता है, या तो उनमें पुंकेसर होता है या उनमें स्त्री केसर होता है। लेकिन जो सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है, इन पौधों में द्विलिंगी होते हैं ये, इनमें स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर भी होता है, ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपने लिखने हैं, याद करने हैं। अब आप देखिए आगे, जो पुंकेसर होता है पुष्प के अंदर होता है ये पुंकेसर, तो पुंकेसर के ये भाग हैं, देखिए
एक तो ये जो अगला भाग है इसमें जहाँ प्राकोष लिखा हुआ है, ये तो प्राकोष बोलते हैं इसे, और परतंतु यानी पुंकेसर के दो भाग होते हैं। अगर आपके पास प्रश्न आए पुंकेसर के कितने भाग होते हैं उनके नाम लिखिए, तो पुंकेसर के दो भाग हैं प्रतंतु और प्रागकोष। तो पैसे पुंकेसर है, आप याद रख सकते हो, पैसे पुंकेसर है, पैसे ही प्रतंतु है और पैसे ही प्रागकोष है, यानी पुंकेसर के जो दो भाग हैं उनके नाम भी पैसे ही शुरू होते हैं। तो ये ऊपर जो यहाँ प्राकण होते हैं यहाँ पे, तो ये प्राकोष है, और जो ये हरे रंग की डंडी है इसे प्रतंतु कहते हैं। ठीक है, आगे है आपके पास स्त्री केसर के, ये स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर के भाग हैं ये। तो स्त्री केसर के भाग होते हैं जैसे आपके पास, एक तो ये होता है यहाँ पे अंडाशय होता है, ये अंडाशय यहाँ पे बीज बनते हैं, इसे बीजांड भी बोलते हैं, ठीक है, या इसे अंडाशय भी बोलते हैं। तो अंडाशय या बीजांड एक ही बात है, यहाँ पे बीज बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये अंडाशय है और एक वर्तिका है, वर्तिका ये होता है बीज का भाग, और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का यानी वर्तिका के आगे का भाग, ऊपर का भाग जो है उसे वर्तिकाग्र बोलेंगे। तो ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, तो ये स्त्री केसर के भाग हैं। तो ये आपने याद करने हैं, इनका चित्र भी बनाना है अपने अपनी कॉपी में, ठीक है। जब आप चित्र बना के याद रखोगे तो आपके ऐसे ही आपने पुंकेसर का भी चित्र बनाना है और उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो ये जनन अंग है इनके। फिर उसके बाद आते हैं आपके पास, तो नर और मादा जो है, नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों ही एक पादप पर उपस्थित हो सकते हैं या भिन्न भिन्न पादप में पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो नर और मादा एक लिंगी पुष्प होते हैं जो या तो दोनों एक ही पादप पर उपस्थित होंगे, एक ही पौधे पर होंगे, या अलग अलग पौधों पे ये पाए जा सकते हैं। फिर है पुंकेसर में प्राकोष और तंतु को पहचान सकते हैं, पुंकेसर में प्राकोष को भी और तंतु को भी हम पहचान सकते हैं। प्राकोष में प्रागण होते हैं, प्राकोष जो होता है ना, जो पुंकेसर का भाग था उसके ऊपर प्राकोष में प्रागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो ना इस चित्र में, तो ये प्राकोष है ऊपर और ये प्राकोष में प्राकण पड़े हैं, जैसे ये आपको दिखा रहे हैं ना, ये प्राकण है और ये प्राकोष है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये देखो प्राकोष, ठीक। तो ये प्राकोष है और ये प्राकण है, तो ये आप देख सकते हो इसमें। फिर उसके बाद है आपके पास, अब इसमें क्या है, प्राकोष में प्राकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं, और स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं, अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, और मादा युग्मक अंड या बीज का, अंड का निर्माण बीजांड में होता है। तो ये आपने नोट करना है, जो प्राकोष में प्राकण होते हैं वो तो नर युग्मक बनाते हैं, और जो स्त्री केसर में वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है, अंडाशय होते हैं, और अंडाशय में एक या अधिक बीजांड हो सकते हैं, और मादा युग्मक जो है अंड का निर्माण बीजांड में ही करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, लिख लेना है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के युग्मन से युग्मनज बनता है। तो जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो वो आपस में मिलके युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज बनाते हैं वो, ठीक है। ये प्रश्न आया था, पीछे पेपर हुआ था सेट का, एग्ज़ाम में आया था युग्मनज। फिर उसके बाद आपके पास आता है प्राकण। प्रागण क्या होता है, प्रागण, प्रागण जो होते हैं तो प्राकणों
प्राकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होते हैं जो उन्हें सूखने से बचाता है। तो प्राक कण जो होते हैं हल्के होते हैं और वो वायु जल के द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर प्राक कण चिपक जाते हैं, और जब ये कीट किसी दूसरे पुष्प के ऊपर बैठते हैं तो ये प्राक कण उस पुष्प पे चले जाते हैं। तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ प्राक कण गिर जाते हैं, यानी एक पुष्प के प्राकण किसी भी माध्यम से, चाहे हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या कीटों के द्वारा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो प्राकणों का प्राकोष से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण प्रागण कहलाता है। जब प्राकण, प्राग कण और गण, इनमें आप अंतर देखिए, जब प्राकण प्राकोष से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, उसे प्रागण कहते हैं। और यदि प्रागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सव प्रागण कहते हैं। सव का मतलब अपना, यानी जब प्रागण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे सव प्रागण कहते हैं। जैसे ये है सव प्रागण। सव प्रागण में मतलब है ये प्रागण जो हैं यहाँ से और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गए तो ये है सव प्रागण। यानी उसी पुष्प, एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के जो हैं प्रागण हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ये गिर रहे हैं तो ये सव प्रागण हैं। लेकिन जब एक पुष्प के प्रागण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ठीक है, तो उसे पर प्रागण कहते हैं। ठीक है, यानी एक पुष्प के प्राग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं तो उसे पर, पर का मतलब दूसरे, तो उसे पर प्रागण कहते हैं। तो प्रागण ये भी आपको आना चाहिए, सब प्रागण किसे कहते हैं। तो सब प्रागण और पर प्रागण आपने देख लिया है पीछे, ठीक है। अब आगे है निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, देखिए, निषेचन नर और मादा युग्मक के युग्मनन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो वो युग्मनज बनाते हैं, उस कोशिका को युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। और युग्मनज जो है भ्रूण विकसित होता है, ठीक है। तो युग्मनज क्या होता है, युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम जो होता है उसे निषेचन कहते हैं। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उनका संयोग होता है, तो उसे निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो है भ्रूण के रूप में विकसित होता है। फिर पहले युग्मनज बनेगा, पहले निषेचन होगा, निषेचन से युग्मनज बनेगा और युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, अब इसमें देखिए, जैसे ये निषेचन है, निषेचन की क्रिया हो रही है, इसमें युग्मनज का निर्माण हो रहा है। इसमें देखिए ये अंड कोशिका है, इसमें अंडाशय है, यानी एक अंडाणु है ये, और ये अंडाणु जो है यहाँ से और ऊपर अंकुरित प्रागकण है। क्या है ये, प्रागकण। तो जब ये प्रागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर गिरेगा ये प्रागण, और नीचे अंडाशय में अंडाणु है, यानी बीज है ये, ठीक है। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो ये, इसमें देखिए आप, यहाँ पे ये अंडाणु जो है निषेचित हो जाता है और ये ऊपर वाले जो है प्रागण ये नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल गए हैं, निषेचित हो गए हैं, और यहाँ पे युग्मनज का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से युग्मनज का निर्माण होता है। फिर उसके बाद है आपके पास
फल और बीज का विकास कैसे होता है? तो जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो निषेचन के पश्चात जो होता है अंडाशय जो है फल के रूप में विकसित हो जाता है और पुष्प के विभिन्न भाग जो होते हैं मुरझाकर, यानी जो पत्तियां होती हैं फूल की वो मुरझाकर टूट जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। और परिपक्व जब फल होता है ना, तो वो अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं, और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर होता है। ठीक है, कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं, जैसे आम है, सेब, संतरा है। कुछ फल जो होते हैं कठोर होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, फल होते हैं, फल के अंदर जो बीज होते हैं, बीज कठोर आवरण से ढके होते हैं, ये वो अपने उनकी रक्षा होती है उसके कारण। कुछ फल जो होते हैं गुद्देदार रसीले होते हैं, जैसे आम है, सेब है, संतरा है। और कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है। तो ये देखिए, जो आम है, आम के ये बीज हैं बीच में, ठीक है, इसके बीज के चारों तरफ गुद्दा है, और ये बीज जो होते हैं कठोर आवरण से ढके होते हैं ये। और ऐसे ही ये देखो बादाम है, बादाम का के ऊपर चारों तरफ अखरोट है, ये बादाम है जो आवरण है। तो सेब का एक भाग है ये और बादाम है, ये चित्र आपको दिखाया गया है। फिर आता है बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन क्या होता है? बीज प्रकीर्णन होता है बीज का बिखर जाना। प्रकीर्णन का मतलब बिखरना या गिर जाना कहीं भी दूर दूर जाके। तो प्रकृति कुछ ऐसे प्रकार के पादप विभिन्न भागों पर उग पाए जाते हैं, ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन, खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आप को अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कपड़ों में चिपक जाते हैं या कहीं जीव जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। तो जब ये चिपक जाएंगे तो हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो कहीं और भी गिर जाते हैं। तो जिसके वजह से पादप जो है नए पौधे उगाते हैं, नए पौधे उग जाते हैं। धूप, जल, खनिज और स्थानों के लिए गंभीर स्पर्धा होती है। ठीक है, तो नए पौधे जो होते हैं ना, उनके बीच में भी स्पर्धा होती है, धूप के लिए, जल के लिए, खनिज पदार्थों के लिए, उनके बीच में कंपटीशन होता है। तभी कई पौधे देखो बहुत जल्दी उग जाते हैं, कई बेचारे छोटे ही रह जाते हैं। तो इनमें भी स्वस्थ, कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। तो पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। यानी अगर हम सभी बीजों को एक ही जगह पर गिरा दें तो वहाँ पर बहुत सारे पौधे इकट्ठे उगेंगे और उनके बीच में स्पर्धा होगी पानी के लिए, खनिज के लिए। लेकिन जब वो दूर दूर जाके गिरेंगे तो वो सभी स्वस्थ होंगे, सभी को पानी भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो दूर दूर फैल जाएंगे। तो ये प्रकीर्णन का फायदा होता है। जब बीज दूर दूर फैल जाते हैं तो उससे पादप जो होते हैं स्वस्थ पैदा होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है सहेजन, सहेजन पौधे के बीज हैं ये, ड्रम स्टिक बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये सहेजन पौधा है, उसके बीज हैं। और द्विफल मैपिल के बीज हैं ये, बी वाला द्विफल मैपिल, मैपिल का बीज है ये। हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं या पानी के साथ बह के चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन कैसे कैसे हो सकता है? या तो हवा के द्वारा हो सकता है, पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहेजन या द्विफल मैपिल जैसे पादप में पंख युक्त बीज होते हैं, घासों के हल्के बीज और आक मदार के रोम युक्त बीज होते हैं, सूरजमुखी के रोम युक्त फल, पवन
के साथ उड़कर दूर स्थानों पर चले जाते हैं। ठीक है, यानी सहेजन, द्विफल, घास के हल्के बीज, आक या मदार के बीज जो होते हैं हवा के साथ उड़ के दूर चले जाते हैं। इस प्रकार उनका बीजों का प्रकीर्णन होता है। और कुछ बीज जो होते हैं वो पानी के साथ बह के चले जाते हैं। फलों के आवरण स्पंजी होते हैं, तंतुमय होते हैं, जो जल के साथ के ऊपर आसानी से तैर जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकीर्णन होता है पानी के द्वारा। जैसे नारियल के होते हैं ना, नारियल को ऐसे ही फेंक देते हैं कोई खा के नदी में, तालाब में, तो वो पानी के बह के चला जाता है दूर दूर तक। और कुछ में कांटेदार होते हैं बीज, उनमें कांटे होते हैं, तो जिससे हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, तो जिसमें से जब जंतु उनके बीच में से जाते हैं तो वो उनके शरीर से चिपक जाते हैं और ये दूर दूर स्थानों पर गिर जाते हैं। जहाँ भी जैसे कोई जंतु है जिसके शरीर से चिपके हैं, जैसे जैंथी, जैंथियम है ये, जैंथियम जैसे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हवा में उड़ के या पानी में उड़ के चले जाते हैं, हवा में उड़ के जाते हैं। ठीक है, यूरेना और जैंथियम जैसे है ये, इसमें क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं कपड़ों के साथ। ठीक है, इसे हम साधारण भाषा में कुत्ते भी बोलते हैं। जब इनके बीच में से कोई जंतु गुजरता है ना, या कोई भी आदमी गुजरता है, तो उसके कपड़ों के साथ चिपक जाते हैं ये। ठीक है, या जंतु के शरीर के साथ चिपक जाते हैं। और कुछ पौधे होते हैं ये झटके के साथ फट जाते हैं, जिसके कारण बीज जो है बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं। जैसे एरंड है, बालसम है, ये इसके पादप के ऐसे ही बीज हैं ये, तो ये एकदम से फूटते हैं और ये दूर दूर गिरते हैं, जिससे ये प्रकीर्णन होता है। बालसम और एरंड के जो जीव हैं ये, तो ये विस्फोट के साथ फैलते हैं। और इस पाठ के ये प्रमुख शब्द हैं अलैंगिक जनन, मुकुलन, भ्रूण, विप्रकीर्णन, निषेचन, खंडन, युग्मनज, बीजांड, परागण। ये तो ये सभी आपने जो वीडियो मैंने बना के आपको ये समझाई है, तो आपने इन सभी के प्रमुख शब्दों की परिभाषाएं जो हैं इसी में से ढूंढ के लिखनी है। ठीक है, जैसे स्त्री केसर है, स्त्री केसर किसे कहते हैं, पुष्प का जो मादा भाग होता है, मादा जनन अंग होता है, उसे स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। ठीक है, जैसे बीजांड है या अंडाशय बोलते हैं इसे, और क्या क्या है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है। ऐसे ही पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ठीक है, प्रतंतु और प्राकोष। और ऐसे ही प्राकण किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकोष के ऊपर जो कण होते हैं ना, जो मादा जनन अंग बोलते हैं जिसे, उसे हम प्राकण कहते हैं। ठीक है, प्राकण। तो इस तरह से आपने इन सभी की परिभाषाएं लिखनी है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस लेसन से ये देखिए, ये कुछ आपने क्या सीखा ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपने खुद पढ़ना है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की किसे कहते हैं, देखो इसमें भी है। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां हैं, जैसे खंडन है, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है, कायिक प्रवर्धन है, तो ये सभी आपको वीडियो में समझा चुके हैं। इससे पहली वीडियो में भी समझाया था मैंने। और लैंगिक जनन ये सभी आपने खुद पढ़ लेना है। एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, नर युग में युग्मनज कैसे बनता है। ठीक है, परागण क्या है, सब परागण क्या है, पर परागण क्या है, ये सभी कुछ मैंने समझा दिया है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को भी दबाइए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।